नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे एक बेबी वॉकर, छोटे बच्चों के लिए जो वॉकर होता है। तो ये हमने परचेज़ किया दोस्तों फ्लिपकार्ट से, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगी। इसे निकाल लेते हैं बॉक्स को बाहर, काफ़ी बड़ा बॉक्स है वैसे। ये देखिए, ऐसा बॉक्स है। तो ये है बेबी वॉकर 007, कुछ पैंडा करके इसका ब्रांड नेम दे रखा है। और दोस्तों, ये है ISI सर्टिफाइड और ये है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये काफ़ी सारे डिफरेंट कलर ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा, पिंक, ब्लू या रेड में भी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग दे रखी है 2300, बट ये आपको 1300 से 1500 के बीच में मिल जाएगा। और इसमें आपको म्यूज़िक वगैरह मिल जाता है। और देखिए यहाँ पे कैसे इसको असेंबल करना है, ये सब दे रखा है। बट आगे मैं वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा कि कैसे इसको असेंबल करना है डिटेल में। तो चलिए बॉक्स ओपन करते हैं, सब कुछ बाहर निकाल लेते हैं कि क्या कुछ आपको बॉक्स में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स में मिलती है दोस्तों। ये देखिए, ये है कुछ बटन्स वगैरह हैं, यहाँ पे वॉकर है। तो ये फोल्डेबल वॉकर, आप इसे फोल्ड कर सकते हो और आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ नीचे एक बटन सा दे रखा है, आगे वैसे मैं आपको बता दूंगा क्या करना है इसका। और यहाँ पे एक सीट दे रखी है, वैसे पिंक कलर में है ये, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कुछ टॉयज़ वगैरह दे रखे हैं बच्चों के, ये पैंडा वगैरह दे रखा है, फ्लावर्स हैं। और यहाँ पे आपको 8 व्हील्स मिल जाते हैं जो इसमें लगाने हैं आपने। तो चलिए इसको चेक करते हैं कैसे असेंबल करना है। तो पहले सीट दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे 4 पिंस दे रखी है प्लास्टिक की, और यहाँ पे भी 2 लॉक्स हैं। ये देखिए, आपने सीट में से बाहर निकाल लेना, देखिए सीट के अंदर, ये कपड़े के अंदर है। और ये देखिए, तो ये आपने पहले बाहर निकाल लेने हैं। ये देखिए ऐसे कुछ, यहाँ पे 2 है इस साइड में, और सामने की तरफ यहाँ पे 3 हैं, और इस साइड भी यहाँ पे 2 हैं। तो ये आपने अच्छे से पहले बाहर निकाल लेने हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अब आपने ये सीट लगानी है इस वॉकर में। तो ये जो स्लॉट बने हैं दोस्तों, आपने स्लॉट में ये पिंस लगानी है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। देखिए सामने की तरफ 3 स्लॉट्स हैं, यहाँ पे ये लगेगी साइड 3 पिंस वाली, लगा के आपने इसको थोड़ा अच्छे से खींच के फिक्स कर देना है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ। और अब आपने यहाँ पे ये इस साइड में ये 2 पिंस लगा के अच्छे से इसको भी आपने खींच के टाइट कर देना है। और सेम वे से आपने दूसरी साइड भी लगा देना है। और ये बैक साइड यहाँ पे आपने 4 पिंस जो थी प्लास्टिक की, ये आपने अच्छे से ज़ोर लगा के प्रेस करके इंसर्ट कर देनी है, जो इसके होल्स बने हुए हैं होल्स में अच्छे से। और ये आपने काम बहुत अच्छे से करना है, जब तक आप ये इंश्योर ना हो जाओ। आपने बच्चे को इसमें नहीं बिठाना, यूज़ नहीं करना है। बैक साइड से आपने चेक कर लेना है कि सारे पिंस अच्छे से लगी है, फिक्स हो गई हैं। ये देखिए बैक साइड से पूरी अंदर से बाहर हो जानी चाहिए, आर पार हो जानी चाहिए। ये देखिए बैक साइड से आपने इसको अच्छे से चेक कर लेना है, इससे पहले आपने बच्चे को इसमें नहीं बिठाना है। तो देखिए अभी हमने चेक कर लिया है, अच्छे से लगी है सीट। तो अभी आपने दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे जो टॉयज़ वगैरह मिले हैं, फ्लावर्स वगैरह, ये सब लगाने हैं। तो ये ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, आपने एक स्क्रू ड्राइवर लेना है, और ये स्क्रू ड्राइवर से आपने इसके ये स्क्रूज निकाल के इनमें आपने टाइट कर देने हैं। और आपने पूरे कम्प्लीटली टाइट नहीं करने हैं, थोड़े से लूज़ रखने हैं। ये देखिए अभी हमने दोनों फ्लावर लगा दिए हैं, थोड़े ये घूमने चाहिए, देखिए ऐसे, फुली टाइट नहीं करना है आपने। और आपने अभी ये लगा देने हैं, 2 पंखे से मिले हैं, ये देखिए। तो ये तो सिंपली लग जाएंगे, देखिए ऐसे आपने बस होल में इंसर्ट कर देना है, कोई इसमें स्क्रू वगैरह नहीं लगेगा। ये देखिए अभी लग चुका है ये। और अभी दोस्तों अभी हमने लगाने इसमें व्हील्स, तो व्हील्स लगाने के लिए भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे नीचे होल्स दे रखे हैं, और आपने क्या करना है, व्हील्स को लगा के होल्स में ज़ोर से प्रेस कर देना है और ये फिक्स हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे ज़ोर से प्रेस करोगे तो देखिए लग जाएंगे। तो सेम वैसे आपने 8 व्हील्स जो थे सारे के सारे लगा देने हैं अच्छी तरह से प्रेस करके। ये देखिए अभी हमने सारे व्हील्स इस पर लगा देने हैं। तो दोस्तों अभी देखिए सारे व्हील्स अभी हमने लगा दिए हैं, और ये काफ़ी हद तक रेडी है यूज़ करने के लिए। तो अब हमने क्या करना है, ये जो डैशबोर्ड है, बटन्स वगैरह दे रखे हैं, तो ये लगाने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने सेल लगाने हैं 2 नॉर्मल वाले जो सेल होते हैं, डबल ए सेल। और सेल आपको साथ में नहीं मिलेंगे, तो वो तो आपको परचेज़ करने पड़ेंगे अलग से, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जस्ट आपने ये स्क्रू खोलने हैं और यहाँ पे 2 सेल लगा देने हैं, नॉर्मल वाले जो डबल ए सेल होते हैं। और यहाँ पे जब आप प्रेस करोगे तो देखिए म्यूज़िक बजेगा इसमें, तो आपको इसमें म्यूज़िक इफ़ेक्ट मिलता है। कोई लाइटनिंग इफेक्ट नहीं है, लाइटें वगैरह तो नहीं है, बट म्यूज़िक मिलता है इसमें आपको। और यहाँ पे 3 बटन्स दे रखे हैं, और म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा लाउड है, मेरा तो सिर दर्द हो गया था सुनकर। ये देखिए, तो आपने जस्ट इसमें ये स्क्रू टाइट करके इसको, ये देखिए ऐसे, ज़्यादा कुछ मुश्किल काम वैसे है नहीं।
और दोस्तों क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिटी तो मैं नहीं कह सकता, बट एवरेज क्वालिटी कहूँगा, मतलब जितना प्राइसिंग है उस हिसाब से ठीक ठाक क्वालिटी है इसकी। और अब आपने ये डैशबोर्ड जो है यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर देना है, इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगाना, जस्ट आपने प्रेस करके इसको फिक्स कर देना है, और ये पैंडा भी यहाँ पे लगा देना है आपने, ये देखिए। तो दोस्तों अभी देखिए हम ये जो वॉकर था ये रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए, बेबी वॉकर। और ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको पूरा असेंबल करने के बाद, पूरा कंप्लीट इसमें जब आप सब कुछ लगा दोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, इतना बुरा भी नहीं है। प्राइसिंग के हिसाब से मैं कहूँगा तो ठीक है इसकी क्वालिटी, बट बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिटी तो नहीं है, बट ठीक है, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो बटन्स वगैरह है, ये टॉयज़ वगैरह लगे हैं, फ्लावर्स वगैरह लगे हैं, यहाँ पे बटन्स हैं, यहाँ पे आप म्यूज़िक वगैरह बच्चे बजा सकते हैं प्रेस करके, और काफ़ी ज़्यादा लाउड है। और म्यूज़िक भी मैंने देखा है कि तीनों बटनों से सेम ही चलता है, मतलब कोई भी बटन आप प्रेस करते हो तो वो एक जैसी ही आवाज़ सारे बटनों से आ रही है, कोई ज़्यादा म्यूज़िक चेंज नहीं हो रहा है। दो तीन म्यूज़िक इसमें जो अपलोड हो रखे हैं वही बजते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए पैंडा को करके दे रखा है ये ब्रांड नेम। तो नीचे से देखें दोस्तों तो यहाँ पे एक बटन सा दे रखा है ब्लैक कलर का, इसको प्रेस करके आप इसको फोल्ड कर सकते हो। अगर आपने इसको फोल्ड करके कहीं रखना है तो गाड़ी गुड़ी में अगर रखना है आपने, तो आप इसे ऐसे फोल्ड करके कार में भी ले जा सकते हो। और यहाँ से आप इसे थोड़ा खींचोगे, एक्सटेंड करोगे तो ये देखिए ऐसे खुल जाता है, ये देखिए अभी खुल गया है। और ऐसे आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जो ब्लैक कलर का नीचे बटन दे रखा है, आप इसको थोड़ा प्रेस करोगे तो आप इसको आगे पीछे करके इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, या चाहो तो आप इसको प्रॉपरली मतलब फोल्ड भी कर सकते हो। तो देखिए अभी मेरी बेटी इस पर बैठी हुई है और काफ़ी इन्जॉय कर रही है, काफ़ी उसे खुशी हो रही है इस पर बैठ कर। तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई मैं नहीं कह सकता क्वालिटी के मामले में, बट अगर 1300 से 1500 की प्राइसिंग में आप कोई बेबी वॉकर परचेज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसे परचेज़ कर सकते हो। और मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा, ये वैल्यू फॉर मनी लगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। और आप ये वॉकर परचेज़ कर सकते हो। बाय बाय।